हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कॉलिनाइट इज एन ओर ऑफ जिंक कॉपर एल्युमिनियम आयरन करेक्ट ऑप्शन एल्युमिनियम है एल्युमिनियम के अदर्स ओर्स में इंपॉर्टेंट में बाक्साइट आता है क्रायोलाइट आता है और कोरेंडम आता है इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी वन टू फिस में विटामिन डी होता है और बी वन टू वी होता है सनलाइट में विटामिन डी होता है सिर्फ एग में आपका विटामिन ए डी ई के और बी बी फाइव बी नाइन बी वन टू इतने सारे होते हैं जबकि मीट में सिर्फ बी वन टू होता है तो टेक्निकली उसने पूछा बी वन टू किस में नहीं है तो सन लाइट में सिर्फ विटामिन डी है तो बी वन टू इसमें नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ आगे क्वेश्चन नहीं लिखा है ओर ऑफ कॉपर ऊपर के तीन कॉपर के ओर हैं और जो अर्जेंटाइन है ये ए जी टू यस है ये सिल्वर का है ये सिल्वर का है तो करेक्ट ऑप्शन अर्जेंटाइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन इन ह्यूमन बॉडी में लीड टू जेरो थाइलमिया ये डिसीज टेक्निकली विटामिन ए की कमी से होती है और इस डिसीज का पर्पज़ वही है कि आइज़ में जो प्रॉब्लम होती है ब्लाइंडनेस को लीड करती है वही होती है तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है तो केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी थ्री क्या है विटामिन डी में डी टू और डी थ्री ये इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है तो डी टू का केमिकल नेम है एर्गो कैलसीफल और डी थ्री का केमिकल नेम है कोलियो कैल्सी और विटामिन डी का अगर केमिकल नेम पूछा जाए तो कैल्सी फाइटोनाइडियन ये आपका फाइलो जो होता है उसी का दूसरा नाम फाइटोनेडाइन यूज किया जाता है फाइटो कुछ भी मतलब जो भी बन रहा है इसका उच्चारण तो ये के, के लिए यूज किया जाता है और केबन के लिए भी यही यूज किया जाता है जनरली दो प्रकार इसके फाउंड होते हैं केबन और के टू तो के टू के लिए जो नाम होता है वो आपको याद रखना है मीना क्विनॉन और फाइलोक्नॉन के वन के लिए और उसी का है फाइटोनाइडियॉन ठीक है तो इस प्रकार से पाँचवें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन विटामिन डी थ्री के लिए होगा कोलियो कैल्सीफिर अगला क्वेश्चन है नॉर्मल पी, पी एच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज नॉर्मल पी एच ऑफ ह्यूमन ब्लड ये जनरली बेसिक होता है तो सात से ऊपर जाएगा और जैसे ही साथ से ऊपर जाएगा तो ये ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन सेवन पॉइंट फोर होगा और बिल्कुल एग्जैक्ट अगर टेक्निकल पूछा जाए तो इसकी वैल्यू सेवन पॉइंट थ्री फाइव से सेवन पॉइंट फोर फाइव के बीच लाई करती है तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर वैसे भी आलमोस्ट अगर देखेंगे फिगर आउट करेंगे तो सी पार्ट ही आएगा लेट्स लेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ़ द एक्सप्लोजन इन अकर ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ जो एक्सप्लोजन माइंड में होते हैं उसमें एयर के कॉन्टेक्ट में अगर मेथेन आ जाती है तो मेथेन की जो हीट वैल्यू होती है वो लो होती है कम्पेरिजन टू अदर्स तो ये तुरंत ही एक्सप्लोजन अगर कर जाता है तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा इन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड ये दो तरीके के कंपाउंड हम जनरली पढ़ते हैं जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आगे लीड करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स में तो यहाँ पर जो ऑप्शन हैं वो बेंजीन एंथ्रासिन नेपथथेन और फ्यूरान है अब एक चीज़ पकड़िएगा हेटेसाइक्लिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी होती है कि साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन होना तो कंपलसरी है वन कार्बन एटम इसके साथ साथ एक अदर देन कार्बन एटम उसी साइक्लिक कंपाउंड के बीच में होना चाहिए जैसे फ्यूरान जो होता है सो सी फोर एच फोर ओ होता है तो उसमें ओ यहाँ होता है कहीं कहीं N लग के अलग कंपाउंड का नाम हो जाता है यस लग के अलग कंपाउंड का नाम हो जाता है मतलब जैसे बेंजीन में जो रिंग बनती है वो सभी में सी सी एन एच एन के फॉर्मेट में रहता है ना तो वो इसमें इन हेटेरोसाइक्लिक में ये एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन एंथ्रासन भी एरोमेटिक है नेपथ्लिन भी एरोमेटिक है लेकिन फ्यूरान हेटेरोसाइक्लिक है बिकॉज ऑफ दैट कि जो साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन होता है उसके साथ अदर एलिमेंट भी रहेगा ओ रहे ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर कोई भी रहे तो जितने भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे उनके स्ट्रक्चर देखने के बाद ही आप बता पाएंगे या उनका फार्मूला में पता हो तो उसमें ये कंपाउंड भी शामिल करना होगा जब हम उसको लिंक वाइज करके लिखेंगे चैन फॉर्मेट में अब बेंजीन और एंथ्रासन इन नैफेन में क्या फ़र्क है अगर यही बेंजीन रिंग दो हो जाए जुड़कर इसमें बीच में गोला बनाना पड़ेगा उसी हिसाब से जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का सीन होता है तो ये हो गया नैफेलिन और अगर इसी में एक और बेंजीन रिंग जुड़ जाए तो ये हो गया एंथ्रासिन तो इस तरीके से ये तीनों कंपाउंड अपने आप में एरोमेटिक है जबकि फ्यूरान आपका जो होगा वो हैट्रोसाइकलिक कंपाउंड होगा खैर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा लेट्स मूव टू द ओजोन नेक्स्ट क्वेश्चन ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर इज डिप्लीटेड बाई ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से डिप्लीट की जाती है ये रिएक्ट करती है ओजोन से और जो ओ टू प्लस ओ के फार्मेट में नवजात ऑक्सीजन निकलती है तो इसकी वजह से ओजोन डिप्लीट होती है और इसका जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यहाँ पे जो फार्मूला अगर वैसे देखा जाए तो ये CF2, सी एफ टू सी एल टू इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट अगला क्वेश्चन है द पॉलिटिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल्स जाहिर सी बात है क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्लोरोबन क्योंकि इसमें यहाँ सी एफ़ टू सी एल टू नहीं दिया सी एफ सी के फॉर्मेट में दे दिया है तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक देखो इसमें दो क्वेश्चन आते हैं क्या प्रोड्यूस होता है तो यनो और येनो टू प्रोड्यूस होता है येनो और एनो टू करेक्ट ऑप्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोकेमिकल स्मोक के लिए सबसे करेक्ट सम, समय क्या होता है टाइमिंग क्या होती है किस समय ये प्रोड्यूस होता है जनरली तो समर में मॉर्निंग के टाइम पे होता है इसको कोहरे के संदर्भ में ना ले लेना फोटोकेमिकल स्मोक जो है ये समर में मॉर्निंग के टाइम पे होता है और डिटेल में अपना गूगल कर लीजिए थोड़ा बहुत देख लीजिए कि अगर चीज़ें वैसे क्लियर नहीं है बिल्कुल बेसिक लेवल पे तो फिलहाल में येनो और एनो टू प्रोड्यूस होता है तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा टाइमिंग आपकी समर और मॉर्निंग में होगी द कैरेक्ट्रिस्टिक आर्डर ऑफ़ गार्लिक इज़ ड्यू टू किसकी वजह से होती करेक्ट जो महक होती लहसुन की तो वो सल्फर कंपाउंड की वजह से होती तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीचेज कलरिंग मैटर ब्लीचेज का मतलब कलर ख़त्म कर देता है जो जैसे कहीं कोई कपड़े में कलर लग जाता है उसको हटाने के लिए सल्फर का यूज सल्फर डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं तो डी कलराइजेशन ब्लीचिंग कलरिंग मैटर का मतलब डी कलराइजेशन तो इसमें क्या प्रो मतलब क्यों होता है तो ये रिडक्शन अकर करता है जिसकी वजह से डिकलराइजेशन होता है तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा द केमिकल यूज एज ए फिक्सर और डेवलपर इन फोटोग्राफी फाइनल जब आप फ़ोटो जैसे बनाते थे पहले के फोटोग्राफी आज भी बनती है वैसे तो उसमें क्या यूज करते हैं तो सोडियम थायोसल्फ़ेट यूज करते हैं सोडियम थायोसल्फ़ेट जो केमिकल यूज होता है उसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन सिगरेट लाइटर्स सिगरेट लाइटर्स में कौन सी गैस यूज की जाती है तो ब्यूटेन को यूज किया जाता है द इनर्ट गैस यूज एज ए बेकन लाइट इज कौन सी इनर्ट गैस यूज की जाती है तो नियॉन को यूज किया जाता है और इसमें मतलब आ, क्या पर्पज होता है इसका पर्पज जो बीकन लाइट होती है वो जैसे बड़ी बड़ी जगह पे जहाँ हिल्स वगैरह होती हैं तो वहाँ सिम्बोलिज्म में टावर के ऊपर ये लाइट यूज़ की जाती है अदर्स एम्बुलेंस में भी ये टायर ये लाइट यूज़ की जाती है इसका यूज़ किया जाता है थोड़ा सा इसमें डाउट है एक बार इसको देख लीजिएगा कि कौन सी गैस है नियॉन है या आर्गन है फिर भी मोस्ट ऑफ द प्रोबेबल आंसर नियॉन होगा और बीकन लाइट यही पर्पज होता है ये सोलह नंबर का एक कमेंट में भी बताइएगा जो लोग मतलब उस गंभीरता से देखते हैं कि हर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है रिम्बरेंस के बेसिस पे बाकी बीकन लाइट का अर्थ आप समझ गए होंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है इफ ए ब्लू लिटमस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एसिड देन इट विल टर्न इन टू कलर इसमें जनरली मतलब मैं देखता हूँ कि चूँकि फिजिक्स केमिस्ट्री में धीरे धीरे समय के साथ छूटती जाती है उस पर गट फीलिंग के साथ हम कंट्रोल रखते हैं इसमें अच्छे अच्छे लोग कभी कभी गलत कर जाते हैं अगर गलत ना हो तो इसके ही एक एक छोटा सा हम आपको हिंट दे रहे हैं उसके बेसिस पे याद रखेंगे तो गलत नहीं होगा जब ब्लू में कन्वर्ट होगा तब बेसिक होगा बस इतना याद रखो उससे पूरा बन जाएगा ब्लू में कन्वर्ट होगा तो बेसिक होगा रेड में कन्वर्ट होगा तो एसिड होगा क्या रेड में कन्वर्ट होगा ब्लू लिटमस कन्वर्ट होगा बस इसी से चीज़ें बन जाएंगी जब ब्लू में कन्वर्ट होगा तो बेसिक होगा यहाँ क्या है ब्लू लिटमस जनरली ब्लू से रेड में जाएगा रेड से ब्लू में जाएगा ये तो याद ही रहता है तो ब्लू लिटमिस कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एसिड इफ विन इन टू रेड अब इसको रिवर्स करके पूछते हैं ब्लू लिटमिस टर्न्स इंटू द रेड विद कॉन्टेक्ट विद विद कॉन्टेक्ट ऑफ विच थिंग एसिड बेस इस तरीके से ऑप्शन होता तो एसिड हो जाता तो इस चीज़ से मतलब घूलने की प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो जाती है एमॉग्स द फॉलोइंग हुज कैलोरिफिक वैल्यू इज द हाइएस्ट किसकी कैलोरिफिक वैल्यू है देखिए कैलोरिफिक वैल्यू जो हाइड्रोजन की है वो तीन गुना के आसपास होती है एल पी जी के और मेथेन और एल पी जी में 50 के जे जूल करके जो एनर्जी होती है ये 50 होती है 55 फाइव होती है वन फिफ्टी के आसपास होती है तो अगर हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं है मेथेन ऑप्शन में नहीं है तो जनरली जो ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं इसके बाद चारकोल और वो सब जितने एग्जिस्ट करते हैं फ्यूल के फॉर्मेट में उसमें एल हाई रहती है तो जब आप क्वेश्चन को जैसे देखेंगे आपके पास क्वेश्चन आएगा अब हाइड्रोजन उसमें नहीं है तो किसको लगाएंगे तो मेथेन को चेक कर लेना मेथन नहीं तो किसको लगाएंगे तो एलपीजी को लगाएंगे इसके अलावा जो ऑप्शंस होंगे इन तीन में कोई ना कोई एक ऑप्शन उसमें होगा और जनरली हाइएस्ट के फॉर्मेट में पूछा जाता है कभी कभी क्या होता है जब हम क्वेश्चन कोई लगाते हैं तो वो क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में ना आके थोड़ा अलग फॉर्मेट में आ जाता है तो हाइड्रोजन को अगर गैप कर दें तो आपको मेथन को याद रखना है मेथेन और हाइड्रोजन ना हो तो आपको एल लगा देना है लेकिन अगर हाइएस्ट पूछा जाए एग्जिस्टिंग फ्यूल्स में तो हाइड्रोजन होती है वो इवन मोर देन थ्री टाइम्स टू एल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल पोटेशियम एलमुनियम मैग्नीशियम नाइट्रोजन चार सी बात है इन तीन चारों में तो नाइट्रोजन गैस है तो ये नॉन मेटल में आ जाएगी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ध्यान से सुनिएगा टम्प्रेरी हार्डनेस के लिए मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाईकार्बोनेट जिम्मेदार होते हैं ये टम्प्रेरी के लिए होते हैं और परमानेंट के लिए मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फ़ेट और क्लोराइड होते हैं तो पहले कंफ्यूज ना हो जाइएगा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है मैंने किसकी बात की है कैल्शियम और मैग्नीशियम सी एम की बात की है उसके क्लोराइड और सल्फ़ेट हैं तो परमानेंट हार्डनेस और अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाई कार्बोनेट हैं तो उसमें टम्प्रेरी हार्डनेस है और ये क्वेश्चन की लैंग्वेज और हमारे माइंड में बैठी हुई चीज़ें कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम इनमें जल्दीबाजी में गलती हो जाती है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है परमानेंट टम्परेरी ये बड़ा मतलब लॉजिकल और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में से एक है तो ये चीज़ क्लियर हो गई टेम्परेरी इज रिलेटेड टू द बाई कार्बोनेट एंड परमानेंट इज़ रिलेटेड टू द क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ द सोडियम सॉरी देखो हम भी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट होगा होता है ऐसा ये बात याद रखिएगा नहीं तो आपको लगेगी कि ऐसा नहीं होगा ऐसा होता है और खासकर एग्ज़ाम प्रेशर में जब हमें कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं तो हम तो बस क्लिक करते हुए चले जाते हैं और वो गलतियाँ हो जाएँगी पॉसिबिलिटी रहती है विच और ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन कास्ट आयरन में होता है दो परसेंट के अबव होता है बाकी में तो परसेंट पॉइंट्स में रहता है ठीक है ब्रास में क्या होता है ब्रास में सी यू और जेड होता है ब्रास कंटेंट्स तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो गया है यहाँ भी ए पार्ट हो जाएगा इसके बाद इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्वे सोलूशन ऑफ कापर सल्फेट इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज द साल्ट अंडर गोज हाइड्रोलिशिश करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इन गैल्वनाइज आयरन इज कोटेड विद आयरन को किससे कोट कोट किया जाता है तो जिंक के साथ कोट किया जाता है फिर क्वेश्चन आपके खत्म हो जाते हैं चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ